जानना चाहिए क्या लगता है निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी अगर गिरता है तो हमारे यहां का निफ्टी और बैंक निफ्टी पे असर होगा कि नहीं क्या लगता है कितने लोगों को लगता है <coughs> इंपैक्ट तो होगा सर अपना निफ्टी वहां ट्रेड होता है या अब आया देखिए, बिल्कुल होगा दीपक जी लेकिन बैंक निफ्टी पे होगा कि नहीं ये ये पता नहीं बैंक निफ्टी पे का पता नहीं लेकिन निफ्टी पे जरूर होता है निफ्टी पे इसलिए होता है कि एसजीएक्स निफ्टी ना एक्चुअली निफ्टी का ही रूप है एसजीएक्स निफ्टी निफ्टी का ही रूप है जो हमारा निफ्टी वहां ट्रेड होता है समझ में आ रहा हमारा जो निफ्टी है इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स जो है वो एक्चुअली हमारा निफ्टी ही वहां जाके ट्रेड होता है सिंगापुर एक्सचेंज में ठीक है सिंगापुर एक्सचेंज में तो तो जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपने एन हंड्रेड खरीद लीजिए मैंने एक बार बोला था एन हंड्रेड क्या है नजडेक हंड्रेड है क्या है एन हंड्रेड नजडाक हंड्रेड है क्या नजडाक हमारे यहाँ का है नजडाक कहाँ का है नजडाक एक इंडेक्स है ना कहा का है

उसके हिसाब से हमारा निफ्टी यहां ओपन होगा पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट होगा लेकिन अब आप यह चाहते हैं कि मैं कि आप निफ्टी देख लीजिए अब आपका सवाल क्या होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है लोग के दिमाग में क्या चलता है मैं बताता हूं अरे यार ऐसा है कि एसजीएक्स निफ्टी का असर पड़ेगा निफ्टी पे तो एसजीएक्स नि, निफ्टी को पहले ही देख लो सुबह सुबह अगर रेड में रहे तो बोरा भर के सेल मार दो नहीं ना अगर रेड में रह रे एस जी एक्स निप्टी इसका मतलब मार्केट तो रेड में खुलेगा बोरा भर के सेल मारो दिमाग लेके यही चक्कर में लोग क्या करते हैं रात में तीन बजे उठ के रात में तीन बजे उठ के डाव देखते हैं डाव पॉजिटिव है कि निगेटिव अमेरिका वाला यही चक्कर में कि हमारा मार्केट फिर हमारा सुबह में वो सही इम्पेक्ट करेगा रात में अपनी नींद खराब करते हैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट होता है अगर हमारा अगर एस जी एक्स निप्टी निगेटिव या पॉजिटिव रहता है तो हमारा मार्केट में इम्पैक्ट होता है निफ्टी पर वो या तो उसी के आसपास ओपन होता है उतना ही पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है या प्लस या निगेटिव दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में दोनों के इंडेक्स प्राइस में डिफरेंस है लेकिन अगर एस जी एक्स निफ्टी पॉजिटिव होता है तो मैक्सिमम टाइम हमारा भी निफ्टी जो ओपन होता है वो पॉजिटिव में और एसजीएक्स निफ्टी अगर निगेटिव रहता है तो हमारा भी मार्केट निगेटिव में ओपन होता है और गैप अप गैप डाउन अगर अगर बहुत ज्यादा हमारा एस जी एस निफ्टी ऊपर रहता है मान लीजिए सो पॉइंट ऊपर रहा एस जी एक्स निफ्टी तो हमारा मार्केट गैप अप खुलता है अगर सो पॉइंट अगर एस जी एक्स निफ्टी नीचे रहता है सो पॉइंट तो हमारा मार्केट गैप डाउन खुलता है सर बिल्कुल होता है सर बिल्कुल होता है आ, कुछ नहीं सर बस मैं देखा कुछ दिन से एसडीएक्स निफ्टी ओपन टाइम ही बस इम्पैक्ट होता है अच्छा बात तो नहीं कुछ लोग ऐसा करते हैं रात में तीन बजे उठ के डाउ जोन्स देखते हैं कुछ थे मेरे जान पहचान के लोग तीन बजे उठ के मैसेज करते थे कि डाओ निगेटिव है डाउ पॉजिटिव है कल मार्केट गिरेगा मार्केट में अरे भाई चैन से सो सुबह देखेंगे <laughs> होता मॉर्निंग मैम मॉर्निंग देखिए एक एक चीज है एक आप ही में से कोई है हम ग्रुप में से ही है महेश जी शायद नाम है उनका उन्होंने एक बात कहा था मुझे परसों तरसों मैंने उनको बोला भी था कि उन्होंने कहा था कि सर कुछ अमाउंट है अमाउंट तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन एक मोटा मोटी उनका एक अमाउंट है कुछ उस एमाउंट का वो कह रहे थे मुझे पोर्टफोलियो बना दीजिए क्या बना दीजिए पोर्टफोलियो मैंने किस तरह का स्टॉक्स रखना है मैंने कहा भी था कि मैं बता दूंगा मैं बना दूंगा पोर्टफोलियो कुछ स्टॉक्स में सजेस्ट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे एक, एक लाख का आम, मान के चलता हूँ कि एक लाख का कैपिटल है और एक लाख का कैपिटल का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो जो रखेंगे पोर्टफोलियो जब होल्डिंग होता है जब भी पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है पोर्टफोलियो बनता है तो एक साल के लिए छह महीना के लिए नहीं बनता है लंबे टाइम के लिए बनता है अगर आप उसमें होल्डिंग रखते हैं तो कम से कम थ्री टू फाइव ईयर्स का व्यू रखना चाहिए पोर्टफोलियो पे व्यू क्या होता है थ्री टू फाइव ईयर्स का है ना कम से कम तीन से पांच साल का व्यू होना चाहिए पोर्टफोलियो में क्लियर ये एक होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ पोर्टफोलियो वाला चाहता तो मैं अलग से बना देता लेकिन मैंने सोचा चलो आज संडे डाउट सेशन लूंगा ही उसी में डिस्कस भी कर लेंगे उसी में मिल भी जाएगा और उसी में दोनों काम हो जाएंगे आप आप लोगों को भी जिसको भी स्टॉक्स पसंद आएगा अपना चाहें तो आप अपना पैसा लगा सकते ठीक है नमस्कार नमस्कार पाटिल साहब तो हम लोग यहाँ पोर्टफोलियो देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं है जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आराम से पूछिए तो पोर्टफोलियो तो बताऊंगा कौन सा स्टॉक्स रखना है पोर्टफोलियो में तीन से पांच साल का व्यू एक लाख का कैपिटल पर लेकिन उसके पहले आप लोगों को जो पूछना है आप लोग पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं कैपिटल एक लाख रहेगा ये तो पक्का है कि एक लाख के कैपिटल के हिसाब को ध्यान में के ही पोर्टफोलियो से ट्वेंटी सेवन लोग आए हैं जिनका पोर्टफोलियो है जो बात कर रहे थे क्या वो आ गए हैं अगर आ गए हैं जिन्होंने परसों बोला था मुझे तो कृपया यस लिख दीजिए नमस्कार राहुल जी एबी कैप पर आपका व्यू चाहिए पॉजिटिव है एबी कैपिटल बहुत ही अच्छा है और अच्छी कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल बिल्कुल उसको रखिए वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ए एमसी में कन्वर्ट होगा ए आएगा एक्सिस आदित्य बिरला का तो एक अच्छा रिजल्ट देगा वो ए बी कैपिटल इज गुड स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टमेंट एबी कैपिटल बहुत ही अच्छा स्टॉक है सर एस जी एस निफ्टी एंड एक्चुअली निफ्टी में क्या डिफरेंस है और वो क्यों होता है दोनों का प्राइस अल... देखिये जैसे दोनों है सेम दोनों इंडेक्स है और यही इंडेक्स वहां ट्रेड होता है सुदीप जी हमारा निफ्टी ही सिंगापुर में ट्रेड होता है ठीक है हमारा निफ्टी ही सिंगापुर में ट्रेड होता है अब यहाँ 100 पॉइंट मूव करता है सपोज देखिए मान लेता हूं कि 100 पॉइंट में यहाँ हमारे यहाँ लिस्ट हुआ है शुरू में और सिंगापुर में 120 पॉइंट में लिस्ट हुआ तो ये इसके हिसाब से बढ़ेगा और ये इसके हिसाब से बढ़ेगा तो ये पॉइंट का डिफरेंस तो उसी तरफ से होगा ना तो पॉइंट का डिफरेंस तो हमेशा बना रहेगा चाहे तो ये ज्यादा गिर जाए चाहे ये ज्यादा उठ जाए पॉइंट का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा है ना क्योंकि दोनों एक जैसा तो नहीं बढ़ेगा ना दोनों एक जैसा ट्रेड नहीं होगा वहां का लोग वहां खरीदेगा उसको तो उसके हिसाब से ही तो बढ़ेगा घटेगा और यहां का लोग यहां के हिसाब से खरीदेगा बढ़ेगा तो पॉइंट के हिसाब से दोनों इक्वल नहीं होगा लेकिन सेम इंडेक्स वहां ट्रेड होता है जो निफ्टी हमारा यहां है वही निफ्टी हमारा वहां है सेम प्राइस का डिफरेंस इसलिए है कि बस ट्रेडिंग में अंतर आ जाता है जिसके वजह से प्राइस का डिफरेंस होता है अभी अगर हम सिंगापुर इसका प्राइस देखें सिंगापुर एक्सचेंज का एसजीएक्स निफ्टी का तो अभी कितना प्राइस चल रहा है पंद्रह हजार कितने का है चलिए चेक करें एसजीएक्स निफ्टी कितने का आ रहा है ये तो डॉलर में थमा दिया सिंगापुर डॉलर में अब इसको गुना भाग करिए इंडियन डॉलर में तब ना इंडियन रुपये में गुना भाग करिए ऐसे आप वर्ल्ड मार्केट देखना चाहेंगे वर्ल्ड मार्केट से आपको पता चल रहा है वर्ल्ड मार्केट देखेंगे तो वहां एग्जैक्ट प्राइस आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या चल रहा है आ, क्या पंद्रह हजार पांच सौ संतानवे महेश जी लिख रहे हैं पंद्रह हजार पांच सौ अभी देखिए हम लोग ग्लोबल मार्केट देख लेंगे तो यहां में पता चल जाएगा एक्चुअल प्राइस एसजीएक्स निफ्टी पंद्रह हजार पांच सौ अड़सठ के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी कितना कर रहा है पंद्रह हजार पांच सौ अड़सठ और हमारे यहाँ का क्लोजिंग कितना है पंद्रह हजार पांच सौ छियासी है ना पंद्रह हजार पांच छियासी है ना छह सौ छियासी हजार सात सौ चौदह के आसपास है ना पंद्रह हजार सात सौ चौदह के आसपास की क्लोजिंग है हमारे यहां का कितना का क्लोजिंग है पंद्रह हजार सात सौ के आसपास का क्लोजिंग है है ना यही तो क्लोजिंग है गलत प्राइस तो नहीं दे रहा है ना फायर्स में भी चेक कर लू फायर्स में भी चेक कर लेते क्या गलत प्राइस दे रहा है पंद्रह हजार छह सौ तेरासी वही मुझे याद आ रहा था छह सौ तेरासी के आसपास का छह सौ तेरासी है तो हमारे यहाँ का जो निफ्टी है हमारे यहाँ का निफ्टी है पंद्रह हजार छह सौ तेरासी पे क्लोजिंग हुआ है है ना पंद्रह हजार छह सौ तेरासी पे और एस जी एक्स निफ्टी जो है प्राइस अभी चल रहा है एस जी एक्स निफ्टी का और वो प्राइस है आपका पंद्रह हजार पांच सौ अड़सठ है ना कितना पंद्रह हजार पांच अड़सठ तो पंद्रह हजार पांच सौ अड़सठ कितने पॉइंट का डिफरेंस है कितने पॉइंट का एक सौ पॉइंट का एक सौ बीस पॉइंट का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या होता है तो वही जब ट्रेड होता है तो ट्रेडिंग में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट का डिफरेंस सेम तो होगा नहीं कुछ ज्यादा होगा किसी का किसी का कम होगा तो वो डिफरेंस बनता है और लिस्टेड कब हुआ है उस पर भी डिपेंड है आगे पीछे होगा तो प्राइस भी उसी के हिसाब से आगे पीछे होगा तो वो डिफरेंस हमेशा बना रहता है अभी जैसे आप यही समझिए हमारे यहाँ भी दो एक्सचेंज है ना बी है मान लेते हैं है ना हमारा बी है और एनई है बी और एनई दोनों में देखिएगा रिलायंस का प्राइस सेम नहीं रहेगा किसी भी स्टॉक का प्राइस सेम नहीं रहता है रिलायंस का बीएससी में अलग प्राइस रहेगा एनईसी में अलग प्राइस रहेगा कुछ पॉइंट का डिफरेंस चलता है तो वही है ट्रेडिंग के वजह से है ना कुछ पॉइंट का डिफरेंस हमेशा चलता है दोनों एक्सचेंज में सेम स्टॉक को देखिएगा कुछ पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा सर निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में एस करना चाहिए या कोई भी एक ले लो वो सही दोनों दोनों जब भी लीजिए निफ्टी लीजिये सेंसेक्स एक साथ लीजिए मैंने आप लोगों को बताया भी था मेरा वाला जो मैंने लिया हुआ था बी निफ्टी है मेरे पास है ना बताया था बिल्कुल आप लोगों को याद है और आईसीआईसीआई सेंसेक्स है आई सेंसेक्स है इसमें पूरा सेंसेक्स है मेरे पास इसमें पूरा निफ्टी है मेरे पास और आप लोग को भी बताया था लेने के लिए शानदार मूवमेंट काफी नीचे के भाव से हाँ बी बट सर निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स तो बहुत कम है इससे अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अच्छा निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न कम है आपको ऐसा लगता होगा साढ़े सात हजार का निफ्टी साढ़े सात हजार का निफ्टी साल भर में पंद्रह हजार हो गया ये रिटर्न कम है हर्षित जी तो ये रिटर्न है ना ये रिटर्न है ना आप क्या हर साल चाहते हैं कि हर साल वो डबल हो जाए हर साल डबल हो जाए कोई स्टॉक हर साल डबल होता है तो अगर आप स्टॉक्स की भी बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स के भी बिल्कुल ले सकते हैं आप स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लीजिए डजन मैटर लेकिन जब आप कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक दो स्टॉक पांच स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है और यहां जब आप निफ्टी या सेंसेक्स लेते हैं तो पूरा होल मार्केट आप लेते हैं ना तो होल मार्केट में क्या होता है कि कोई लूला है कोई लंगड़ा है कोई अंधा है कोई बहरा है कोई घोड़ा है कोई हाथी है कोई ऊंट है कोई गधा है उसी हिसाब से ना मूवमेंट करेगा सर समझ रहे ना तो बाजार क्या बोलता है बाजार बोलता है कि हमारे पास तो पचास स्टॉक है आपने तो पचासो ले लिया इसमें कोई घोड़ा है इसमें कोई घोड़ा का तेजी चलता 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 है 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 इसमें कोई 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 हाथी जैसा ऊंट के जैसा कोई चलता है गधा के जैसा कोई चलता है मंकी के जैसा तो भाई ये सबका एवरेज मिला के ना हम चलेंगे हमको तो सबको साथ लेके जाना है ना हमको तो सबको साथ लेके घींच के लेके जाना है तो उसी हिसाब से तो हमारा मूवमेंट होगा ना तो यहां पे क्या है आपका रिस्क कम बनता है रिस्क इसलिए कम बनता है क्योंकि ये होल मार्केट है पूरा मार्केट है कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा मार्केट उसको मेंटेन करके चलता रहता है लेकिन अगर आप कोई पांच स्टॉक्स लेते हैं और छह स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका पूरा रिस्क उसी पांच और छह स्टॉक पे है कि अगर वो गिर गया तो वो पूरा गिर जाएगा लेकिन उस पूरा इंडेक्स में क्या होता है कि दस गिर रहा है तो पंद्रह उठ रहा है पांच गिर रहा है तो चार चल रहा है तो वो मैनेज कर लेता है रिस्क कम होता है वहां पे तो मूवमेंट भी कम मिलेगा कम रिस्क कम मूवमेंट सीधा फॉर्मूला है ना ज्यादा मूवमेंट ज्यादा रिस्क सीधा फॉर्मूला जब आप बड़ा रिस्क के लिए आते हैं बड़ा गेन के लिए आते हैं तो बड़ा रिस्क लेते हैं सीधे सीधे इस मार्केट का नियम है कि अगर आप बड़े रिस्क के लिए बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं तो बड़ा रिस्क के लिए कहीं ना कहीं आप आते हैं है ना और छोटा प्रॉफिट तो छोटा रिस्क के लिए आते हैं सीधी सी बात है छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा प्रॉफिट अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं अगर पूछ लू बी एस एल निफ्टी निफ्टी बीज में से कैसे पिक करना चाहोगे सर कोई भी ले लीजिए सेम है कोई भी लीजिए सबसे में ये सब कंफ्यूजन वाला आपको पहले भी बता दिया है स्क्रीन मेरा दिख रहा है प्रताप जी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है ना चार्ट तो भी आप लोगों ने पूछा था किसका टर्मिनल है हाँ दिख रहा है प्रताप जी आपका प्रॉब्लम है आप फिर से ज्वाइन हो जाइए ठीक दिख रहा है ठीक है दोनों एक ही है पाटिल साहब निफ्टी बीज लीजिए चाहे बीएसएल निफ्टी लिए दोनों सेम है बस प्राइस का डिफरेंस आपको परसेंटेज वाइज मिलता होगा और कुछ नहीं सेम है सेम है कोई दिक्कत नहीं कोई दस के गुणक में है कोई दस के मल्टीप्लाई में कोई थाउजेंड के मल्टीप्लाई में कोई हंड्रेड के मल्टीप्लाई में उसी हिसाब से किया तो मूवमेंट भी वैसे ही लेकिन सेम है परसेंटेज वाइज दोनों सेम है अभी मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं देखिए ऐसे तो कि मान लीजिए एक लाख रुपया आपके पास कैपिटल है सपोज एक लाख रुपया कैपिटल है और आप इससे ट्रेड करना चाह रहे हैं मान लीजिए तो एक नॉर्मल सा आंसर बताइए कि आप पर डे का कितना रिटर्न खोजेंगे एक लाख रुपया से रुपए में बताना है परसेंटेज में नहीं बताना है एक लाख रुपया आपके पास है आप पर डे इंट्राडे ट्रेडिंग से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं रुपया में पाटिल साहब ने कहा एक हजार बस एक हजार से पेड़ भर जाएगा अमोल जी बढ़े हैं थोड़ा दो हजार से तीन हजार वाह अब अमोल जी बोली लगाए तीन हजार तक गए देखिए एक हजार से दो हजार जी प्रमोद जी गए गजब एक हजार सुदीप सर गए सुदीप तो राय सर सागर जी पांच सौ पे अरे सागर जी पांच सौ पे पन्द्रह सौ पे सुदीप सर आ गए हैं पंद्रह सौ पे वाह बोली बड़ा है भाई दो हजार आ आगे राहुल जी शानदार एक पांच हजार ये लगा बोली पांच हजार गजब पांच हजार एक शिशुपाल जी ने लगाया पांच हजार दो पांच हजार तीन और कोई बड़ा बोली पांच हजार तीन पांच हजार चार और कोई बड़ा बोली लगा सकता है एक, एक लाख के कैपिटल पे कितना चाहिए बस खत्म पांच हजार लास्ट पांच हजार पांच हजार लास्ट था चलिए तो 5000 हजार लास्ट था एक लाख के कैपिटल पे सर अब जरा आप ये सोचिए जरा एकदम दिमाग से कि एक लाख के कैपिटल से अगर आप पांच हजार कमा रहे हैं शिशुपाल साहब डेली डेली कितना कमा रहे हैं पांच हजार रुपया ट्रेडिंग सेशन हम राउंड नंबर में बीस दिन पकड़ के चलते हैं बीस दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है तो सर ये कितना हो गया सर एक लाख रुपया बन गया ना कितना बन गया एक लाख की दस लाख एक लाख बन गया ना एक लाख आ गया रिटर्न एक महीने में कितना आ गया एक लाख रिटर्न एक लाख रुपया आपने लगाया और महीने में एक लाख रुपया रिटर्न ले रहे हैं यानी कि बीस दिन में आप मंथ पैसा को क्या कर रहे हैं डबल यानी कि हेरा फेरी वाला जो है डायलॉग होता है इक्कीस दिन में पैसा डबल हेरा फेरी वाला फिल्म देखा है ना अक्षय अच्छा कुमार सुनील रावल उसमें तो तो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सेशन होता है तो इक्कीस दिन में पैसा डबल कहीं आप हेरा फेरी वाला चक्कर में तो नहीं पड़ गए क्या है इक्कीस दिन में पैसा डबल तो साल में तो सर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए साल में कितने परसेंट का रिटर्न बन जाएगा फिर आपका हंड्रेड परसेंट एक महीने में कर लिया तो बारह महीने में कितने परसेंट के रिटर्न बन गए एक सौ बीस परसेंट का रिटर्न बारह परसेंट का रिटर्न सॉरी हाँ बारह सौ परसेंट का रिटर्न हो गया ना बारह सो गुना एक है ना तो बारह सो परसेंट का रिटर्न ये शिशुपाल जी थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है मतलब आ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप का नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये नहीं लग रहा है लग रहा है देखिए अब जी को खुद लग रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप का सर ये क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं आप लोग एक लाख में पांच हजार का कैपिटल पांच हजार का प्रॉफिट एक लाख में पांच हजार का प्रॉफिट पर डे इक्कीस दिन में पैसा डबल सर जी वो इक्कीस दिन में पैसा डबल सिर्फ हेरा फेरी में हो रहा था फिल्म में और एक्चुअली बताएं तो वहां भी पैसा डबल नहीं हुआ फिल्म में भी पैसा डबल नहीं हुआ हुआ क्या फिल्म में भी पैसा डबल जरा सोचिए <laughs> हेरा फेरी फिल्म में भी पैसा डबल नहीं हो पाया सर मेरा पूरा फिल्म तक में पगला गया लेकिन डबल नहीं हो पाया कितना चक्कर काटा और यहां पैसा डबल वो भी इतना इस चक्कर में इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो एक लाख रुपया लेके आए हैं ना अब वो आपका माइनस एक लाख रुपया होने वाला है अगर ये वाला लेके चलेंगे फॉर्मूला तब कि हमको हर महीने डबल कर लेना है हर महीने डबल कर लेना है तो अब आप कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं खत्म होने के कगार पे। अगर ये वाला थिंकिंग रहेगा तो देखिए हमेशा बड़ा पैसा छोटा पैसा का महत्व समझिए है ना? बड़ा पैसा छोटा पैसा हमेशा महत्व समझना है इसको एक बताइए दो चुंबक रखा हुआ मैग्नेट है ना दो ये बड़ा चुंबक है और ये छोटा चुंबक है ठीक है कौन किसको खींचेगा अपने तरफ ए है बड़ा बी है छोटा कौन किसको खींचेगा ए खींच लेगा बी को ए खींच लेगा बी को अपनी तरफ ए बी खत्म हो जाएगा है ना सेम यहां पैसा में भी होता है बड़ा पैसा छोटा पैसा बड़ा पैसा छोटा पैसा हमेशा बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसों को अपनी तरफ खींच लेता है याद रखिए बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे अब महेश जी जैसे यहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे होंगे सर तो बोले थे पोर्टफोलियो बताएंगे ये लोग किस चक्कर में पढ़ा दिया हा? ये लोग देखो बताने नहीं दे रहे <laughs> बता दूंगा महेश जी टेंशन नहीं लीजिए <laughs> तो बड़ा पैसा छोटा नो सर नो प्रॉब्लम ओके कोई बात तो बड़ा पैसा छोटा पैसा होता है बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे खींचता है कहानी सुना है आप लोगों ने कहानी सुना हो सुना हो पढ़ा हो कहीं देखा हो वीडियो देखा हो टीवी पे देखा हो कहीं कुछ देखा हो बड़ा पैसा छोटा पैसा कहानी सुना दू बड़ा पैसा छोटा पैसा का महत्व आप तो जानते हैं कि लोग कहावत तो कहते हैं ना कि हमेशा पैसा जो है पैसे को खींच लेता है अपनी तरफ सुना है ना पैसा पैसे को खींचता है ऐसा ही सुना होगा आप लोगों ने पैसा पैसे को खींचता है, है ना तो कहा क्या किसी व्यक्ति को मिल गया कुछ पैसा ठीक है किसी एक व्यक्ति को मिल गया दो चार रुपया दस रुपया मिल गया दस रुपया मिल गया ठीक है दस रुपया मिल गया और वो बोला रही है, दस रुपया का सिक्का है मेरे पास मैंने सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है सुनिए पैसा पैसे को खींचता है आज मैं इस पैसे से जो हमारा वो जो है ना मोहल्ला का बड़ा दुकान वाला उसका सारा पैसा खींच लूंगा बनिया का सारा पैसा खींच लूंगा ठीक है वो दस रूपया दस रुपए का सिक्का बोला अच्छा क्या करोगे इसका बोला इससे मैं सारा पैसा आपका खींच लूंगा बनिया बोला हो गया बोला अरे ऐसे कैसे बोला हाँ ये, ये दस रुपए के सिक्के से मैं सारा पैसा आपका खींच लूंगा जितना पैसा आपका बोला ऐसा कैसे बोला हाँ मैंने सुना है पैसा पैसे को खींचता है तब वो समझ गया बोला अरे अरे ऐसा नहीं है वो तो उदाहरण एग्जाम्पल देता है लोग कहावत देता है कमाना पड़ता है पैसे ऐसे थोड़ी होता है कहा नहीं नहीं क्या बात करते हो अब मैं तो खींच लूंगा सारा पैसा बहस होते, होते 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 क्या किया बनिया ने वो दस रुपए का सिक्का उसका चुरा लिया बनिया ने उसका दस रुपया सिक्का चुरा, 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 चुरा लिया अंत में बहस करते करते वो आदमी जाने लगा खोजा दस रुपया सिक्का कहाँ गया तब बनिया बोला ऐसा है बच्चे कि मेरे ज्यादा पैसे ने तुम्हारे उस एक पैसे को खींच लिया तुमने सही कहा था पैसा पैसे को खींचता है लेकिन मेरे पास चूंकि ज्यादा पैसा था मेरे तरफ ज्यादा पैसा था तुम्हारा वो एक पैसा को मेरे सारे पैसे ने खींच लिया पकड़ समझ रहे तो जितना आपके पास पैसा रहे जितना आपके पास पैसा रहे उससे कम का उम्मीद करिए है ना देखिए ये अगर एक बास्केट है इसमें अगर मैं इससे बड़ा साइज का बास्केट घुसाऊंगा तो घुसेगा मुझे इस बास्केट में बास्केट ए में बास्केट बी को घुसाऊंगा तो घुसेगा नहीं घुसेगा उल्टा क्या होगा ये आपका बास्केट है ये दूसरे का बास्केट है तो बास्केट बी बी कभी नहीं घुसेगा ए में लेकिन ए घुस जाएगा इसमें तो ए को ये खत्म कर लेगा ए को खींच लेगा अपने तरफ आप खींचना चाहिएगा ए से आप बी को खींचना चाहिएगा लेकिन उल्टा बी खींच लेगा आपको ये घुस जाएगा उसमें तो आपको अगर आपके पास ये बास्केट है ए नंबर का तो आपको यह सी नंबर का बास्केट खींचना है छोटा इससे छोटा साइज का तभी तो यह घुसेगा ना इसमें समझ रहे तो जितना आपका कैपिटल उससे कम खींचने का कोशिश करिए तभी वो आप खींच पाएंगे ज्यादा खींचने का कोशिश करिएगा तो वो बड़ा पैसा आपके पैसे को खींच लेगा क्योंकि आपके पास छोटा पैसा हमेशा जाने देखिए यूट्यूब पे वीडियो देखिए और देखिए यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देखिए एक हजार रुपया लगाइए आज मैं एक वीडियो का हेडिंग पढ़ रहा था एक हजार रुपया लगाइए प्रतिदिन एक लाख कमाइए वीडियो का भेजू स्क्रीन शॉट क्या स्क्रीन शॉट वो हेडिंग का एक हजार रुपया लगाइए प्रतिदिन एक लाख कमाइए व्यू उसका पैंसठ हजार व्यू था पैसठ हजार व्यू था कि सिर्फ उसे हेडिंग पर यही सब वीडियो देखिए <laughs> बताइए लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो डाले हैं पैसे एक हजार लगाइए एक लाख रोज का कमाइए कुछ ज्यादा नहीं लगाइए हवाई जहाज हम लोग <laughs> कमाल है तो कभी बिना अपना जितना रहना कैपिटल उससे कम खींचने का कोशिश करिए क्लिक बैट बना दे <laughs> क्या बताऊं भाई एकदम क्या बताऊं चलिए बात तो ये कहानी यही शिक्षा देती है यही सीख कि बड़ा टोकरा में छोटा टोकरा आराम से घुस जाएगा छोटे टोकरे में अगर आप बड़ा टोकरा घुसाना चाहेंगे नहीं घुसेगा आपको इसमें इसको डालना पड़ जाएगा यानी आपका पैसा उल्टा यहाँ चला जाएगा इसलिए कभी भी वैसा नहीं करना मेरा तो 500 से पेट भरता है सागर जी बहुत बढ़िया नहीं नहीं किसी का पांच हजार से भी नहीं भरता है तो उसका हो सकता है कैपिटल बड़ा हो उसका बड़ा कैपिटल हो तो आपका जितना कैपिटल रहे उससे कम खींचिए आ जाएगा आराम से जितना नमस्कार रमेश जी जितना कैपिटल आपका रहे उससे कम खींचिए आराम से वो पैसा आ जाएगा तो ये कहानी यही सिखाता है चलिए खैर ठीक है तो क्या क्या समझ में आ गया बात कहानी मजा आया समझ में आया मामला सेट हुआ कुछ दिमाग में अब देखिए महेश जी ने लिखा यस और बगल में लिखा सिक्स अब ये मैं क्या समझू यस तो हो गया सिक्स का मतलब क्या हुआ सर अच्छा आजकल इस तरह का शॉर्ट आ गया है क्या शॉर्ट सौ, हैंड टाइपिंग भी शर्मा गया आजकल अमोल सर कह रहे हैं यस सर मेरा कैपिटल का मैं दो परसेंट मंथ में आ जाओ बस खुश रहता बहुत बढ़िया सोमदेव जी अब यहां पे देखिए प्रताप जी लिख रहे हैं यस ठीक है एक होता था शॉर्ट हैंड टाइपिंग आजकल तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी शर्मा गया इतने शॉर्ट हो गया है वर्ड इतने शॉर्ट हो गया है कि समझ में ही नहीं आता चलिए खैर कोई बात नहीं तो हम लोगों ने एस डी एक्स निप्टी समझा और क्या क्या समझा बी एस एल निप्टी समझा बाकी और कोई सवाल उवाल है डेली का एक परसेंट आ जाए कैपिटल का बहुत है वाह जी गजब डेली का एक परसेंट बहुत बढ़िया हाफ परसेंट से पेट नहीं भरेगा डेली का हाफ परसेंट से डेली का हाफ परसेंट अगर होगा तो काम नहीं चलना है बैंक तो वो भी हाफ परसेंट नहीं देता बैंक तो वो भी हाफ परसेंट नहीं देता है। वो तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो के चक्कर में रहता है एन टीपीसी पावर ग्रिड दोनों सेम काम करता है हाँ तो दोनों का प्राइज अलग होगा यही ना कह रहे एयरटेल और रिलायंस भी वही काम करता है फिर भी प्राइज अलग है एचपीसी बीपीसीएल भी वही काम करता है फिर भी दोनों का प्राइज अलग है राहुल जी <laughs> कौन सा लेना चाहिए एनटीपीसी पावर ग्रिड दोनों सेम काम करता है दोनों मेरा व्यू तो दोनों में नहीं लेने का होता है लेकिन बहुत मन करे आपको लेने का है तो एन टीपीसी लीजिएगा लेकिन मेरा मन दोनों में से नहीं लेने का होता है सर स्प्लिट होना समझ में नहीं आया क्यों क्यों नहीं समझ में आया एक हजार रुपया महंगा एक हजार रुपया एन हंड्रेड का दाम था आप सोच रहे थे एक हजार रुपया बहुत महंगा है नहीं लेंगे नहीं लेंगे वो स्प्लिट हो गया सौ रुपया में अब समझिए एक हजार रुपया एन हंड्रेड का दाम था आपको महंगा लग रहा था महंगाई नहीं लेंगे इतना महंगा नहीं लेंगे उसने स्प्लिट करके रुपया कर दिया तो अब अब क्या दिक्कत हुआ प्रताप जी नहीं समझ में आया मतलब लीजिए पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोगों का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्प्लिट करती है कंपनी हम लोग के टोकरी में दस गुना कर दिया जितना शेयर था एन हंड्रेड का उसका दस गुना मल्टीप्लाई कर दिया है ना टेन इंस टू वन के रेशियो में तोड़ दिया और उतना शेयर हम लोग को दे दिया भाई भाव नीचे कर दिया उतना घूम फिर के बात हो क्या हम लोग अब लीजिए इसमें समझ में ना आने जैसी क्या बात हो अभी एम आर एफ में आप ट्रेड करते हैं क्या एम आर एफ खरीदते क्या आप क्यों नहीं खरीदते क्योंकि वो नब्बे हजार का है नब्बे हजार का है ना हाँ एम आर एफ तो नब्बे हजार का है नहीं खरीदते लेकिन अगर यही एम आर एफ को अगर वो नौ सौ रुपया में कर दे अगर वो एम को नौ सौ रुपया में कर तो देंगे तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदे खरीदेंगे है ना स्प्लिट करके तोड़ देगा खरीदेंगे बस वही तब आप खरीदने वॉल्यूम बढ़ जाएगा लोग जाने लगेंगे रिटेल लोग खरीदने लगेंगे है ना तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्प्लिट करती है कंपनी <coughs> बढ़िया बात अच्छा पोर्टफोलियो की बात हम लोग कर देते एक लाख का मान के चलते देखिए ऑप्शन वाला कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने नोट करिएगा अगर जिसको करना हो पोर्टफोलियो। ध्यान से सुनिए पोर्टफोलियो के लिए एक लाख में पांच से छह स्टॉक रखना है कितना स्टॉक रखना है पांच से छह स्टॉक रखना है आप पांच भी रख सकते हैं छह नहीं रखे जिसमें चार स्टॉक होगा चार स्टॉक होगा और एक ईटीएफ होगा, चार स्टॉक होगा और एक ईटीएफ होगा अगर आप छह स्टॉक रखते हैं तो पांच स्टॉक होगा अलग अलग और एक ईटीएफ होगा क्लियर हो गया पोर्टफोलियो एक लाख का पोर्टफोलियो में पांच स्टॉक अगर आप रखेंगे तो चार स्टॉक होगा और एक ईटीएफ होगा छह स्टॉक अगर आप रखते रक, रखते हैं छह अलग अलग तो उसमें पांच स्टॉक होगा और एक ईटीएफ होगा तो पहला जो स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कितना डिवाइड करके लगाना बराबर बराबर भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा एक लाख को बराबर बराबर डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ स्टॉक से तो उतना उतना पैसा उस स्टॉक्स में लगा सकते हैं क्लियर है ना तो उसमें जो सबसे पहला स्टॉक है जो सेलेक्ट किया है मैंने उसका नाम है गुजरात गैस इसका सब्स्यूट भी दूंगा कि अगर ये नहीं समझ में आया किसी को गुजरात गैस तो इसके जगह आप दूसरा भी लगा सकते हैं लेकिन ये इसका सब्स्यूट भी दूंगा गुजरात गैस है पहला नंबर और पहला ही नंबर अगर ये पसंद नहीं आता है पोर्टफोलियो में आप कहेंगे किस प्राइस पे लेना है देखिए पोर्टफोलियो थ्री टू फाइव ईयर्स का बना रहे हैं कितना ईयर्स का बना रहे है? जब पोर्टफोलियो बनते हैं तो लंबे समय के लिए बनते हैं तो थ्री टू फाइव ईयर्स का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो करेंट भाव पे भी ले सकते हैं नीचे मिले तब भी ले सकते हैं अब ये 570 मुझे बढ़िया लग रहा है कि 570 पे मिलता तो अच्छा रहता नहीं मिलेगा तो मान लेता हूं कि मुझे यहां पे 50 क्वांटिटी लेना है एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में 50 क्वांटिटी डालना है सपोज तो 50 क्वांटिटी में से हम 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी अभी खरीद लेंगे ठीक है अभी खरीद लेंगे और जब ये सब संजो से नीचे आ गया तो बीस क्वांटिटी जो रेस्ट बचा तब खरीद लेंगे समझ में आ रहा है बात तो पहला स्टॉक क्या होता है हमारा गुजरात गैस है और अब कहेंगे कि नहीं आया सर नीचे तब यहीं से ऊपर चला गया तो सारा क्वांटिटी ऐड कर लेंगे फिर जो क्वांटिटी बचा उसको और ऐड कर देंगे वहीं पर बीस क्वांटिटी और ऊपर के भाव पर ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि व्यू हमारा थ्री टू फाइव पी एस का इसमें टेंशन नहीं तो पहला स्टॉक है गुजरात गैस अगर गुजरात गैस लेने का मन नहीं हुआ ध्यान से सुनिए गुजरात गैस लेने का मन नहीं हुआ तब आप गुजरात स्टेट पेट्रोल लेंगे जीएसपीएफ अगर मान लीजिए आपको लगेगा कि गुजरात गैस नहीं लेंगे तो आप गुजरात स्टेट पेट्रोल भी ले सकते हैं, ठीक है तो पहला स्टॉक अगर मैं लिखूं तो जीएसपीएल हो गया और गुजरात गैस हो गया क्लियर अमाउंट एक लाख रुपए है आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टॉक से उतना ही पैसा फिर डिवाइड करके सब लगाना है सेकेंड स्टॉक इंफ्रा का स्टॉक है और उस स्टॉक का नाम है एस एच आर ईडी -E यानी श्री दिग्विजय सीमेंट श्री दिग्विजय सीमेंट ये करेंट भाव पे लीजिए ऊपर के भाव पे थोड़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप करेंट भाव पे भी ले सकते हैं थोड़ा नीचे मिले तब भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेकेंड स्टॉक है श्री दिग्विजय सीमेंट करंट भाव तेरासी रुपए के आसपास में ठीक है श्री दिग्विजय सीमेंट एक लाख का पोर्टफोलियो है भाई दो स्टॉक हो गए अगर ये नहीं मन हुआ लेने का तो इसमें भी मैं ऑप्शन दूंगा अगर ये मन नहीं है आपको लेने का तो इसका भी सेकेंड सब्स्यूट है जो मैं दे रहा हूं आपको जीएससीएल गुजरात सिद्धि सीमेंट इसका सब्स्यूट दे रहा हूं गुजरात सिद्धि सीमेंट जी एस सी एल अगर गुजरात गैस लेने का मन नहीं करे तो गुजरात स्टेट पेट्रोल ले लीजिए अगर श्री दिग्विजय सीमेंट लेने का मन नहीं करे तो गुजरात सिद्धि सीमेंट ले लीजिए क्लियर हो गया तो उसमें से आपको मान लेते हूं मान लेता हूं कि आपने एक लाख रखा है कैपिटल तो उसमें से आपने डिवाइड करते जाना है पहले नंबर ऑफ स्टॉक देख लीजिए उसके बाद डिवाइड करेंगे तो बराबर आ जाएगा कितना कैपिटल कितना किस में लगाएंगे गुजरात सिद्धि सीमेंट जीएससीएल नोट करते चले जाइए तीसरा स्टॉक एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है और उसको नाम जान रहे हैं कि आप लोग नहीं जान रहे पता नहीं वो एनईसी पे नहीं मिलेगा एनईसी पे नहीं मिलेगा और वो मिलेगा आपको जीएसपीएल और जीएससीएल आपने सत्रह हजार वाले पोर्टफोलियो भी बताया हाँ बिल्कुल अब यहां पे देखिए एक स्टॉक यहां पर टेनफेक्ट वो आपको नहीं मिलेगा टेनफेक क्या है आपको एनईसी uh, पे नहीं मिलेगा आपको बी एस सी पे मिलेगा दो सौन रुपए का भाव है दो सो एक्वन रुपए का टेनफेक का भाव है आप चाहें इस स्टॉक्स पे भी ले सकते इसका कोई सब्स्टिट्यूट मैं नहीं दे रहा हूं आप इसी स्टॉक्स पे रख सकते हैं टेनफेक इंडस्ट्रीज के नाम से आता है टेनफेक टी ए एन एफ ए सी टेनफेक इंडस्ट्री तो तीसरा स्टॉक हो गया आपके लिस्ट में टेनफेक इंडस्ट्रीज ये बी पे लिस्टेड है और यह किस ग्रुप की कंपनी है पता है टेनफेक इंडस्ट्रीज भारत के किस दिग्गज ग्रुप की कंपनी है कोई अंदाजा लगाइए नाम बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा इसका बिड़ला ग्रुप की कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है जिसका अल्ट्राटेक सीमेंट है जिसका ग्रासिम है जिसका अल्ट्राटेक जिसका ग्रासिम है जिसका, जिसका हिंडालको है उसी का टेनफेक इंडस्ट्रीज तो जब ग्रुप का आप नाम जान गए तो इतना तो भरोसा हो गया कि भाई कंपनी तगड़ा होगा कंपनी खराब नहीं हो सकती फिर कंपनी तो तगड़ा होगा है ना टेनफेक इंडस्ट्रीज लेकिन ये एनईसी में नहीं मिलेगा ये सिर्फ बीएससी में मिलेगा फिलहाल इसकी लिस्टिंग बीएससी में है इसके अलावा चौथा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और वो आप लोगों को पसंद भी आएगा बहुत करूर वैश्य बैंक करूर वैश्य बैंक करूर वैश्य बैंक ठीक है करूर वैश्य बैंक इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं दे रहा हूँ आप करोड़ वैसे बैंक पे ही करेंगे तो चार स्टॉक हो गए चार स्टॉक हो गए तो जो चार स्टॉक लगाना चाहते हैं वो इन चार स्टॉक में करेंगे एक और स्टॉक बताऊंगा तो अपना चुन लीजिएगा आप लोग ठीक है एक और पांच स्टॉक में बताता हूं और एक ईटीएफ बताऊंगा तो आप उसमें से अपना डिवाइड कर लीजिएगा कि कितने में लगाना है ठीक है स्टॉक सब में लगेगा टेनफेक का स्पेलिंग टी ए एन एफ ए टी ए एन एफ एस सी टेनफेक का वही स्पेलिंग लगाना सारे स्टॉक में है कितना क्वांटिटी लगाना है वो कैपिटल के हिसाब से बराबर डिवाइड करके लगाइएगा पांचवा स्टॉक्स बता रहा हूं टेनफेक के बाद एक फार्मा कंपनी है मार्क्संस फार्मा ये तो जान रहे हैं मार्क्संस फार्मा ठीक है मार्कसंस फार्मा मार्कसंस फार्मा ये पांचवा स्टॉक है फार्मा क्लियर तो जीएसपीएल है अगर नहीं लगाना हो तो जी गुजरात गैस में लगाइए गुजरात गैस में मन नहीं हो तो जीएसपीएल में लगाइए दिग्विजय सीमेंट दिया है इसका कोई सब्सिट्यूट है तो जीएससीएल है अगर जीएससी श्री दिग्विजय सीमेंट में मन ने हो तो गुजरात सिद्धि सीमेंट में लगाइए गुजरात सिद्धि सीमेंट में मन नहीं हो तो दिग्विजय सीमेंट में लगाइए टेनफेक इंडस्ट्रीज अकेला है जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं दे रहा हूं करूर वैश्य बैंक अकेला है जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं दे रहा हूं यही है और फार्मा uh, का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका यही दे रहा हूं फिलहाल अलग इसको नहीं करना है तो Pharma, एक ईटीएफ होगा अब इसमें आपको पता करना है ईटीएफ हमेशा जब भी आप स्टॉक खरीदें तो किससे उसको हेज करना चाहिए देखिए पुराने सारे लोग बता देंगे किससे उसको हेज करना चाहिए तो उसको हमेशा गोल्ड ईटीएफ से हेज करना चाहिए उसको हमेशा गोल्ड ईटीएफ लेके हेज करना चाहिए तो एक ईटीएफ आपको इसमें लगा देना है गोल्ड का ईटीएफ जाके लगा देना है ठीक है कोई भी गोल्ड ले लीजिए एक्सिस गोल्ड ले लीजिए बी गोल्ड ले लीजिए गोल्ड बीज ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो समझ में आए वो ले लीजिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आप एक्सिस गोल्ड ले लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं बीएसएल कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सातवा छठा आप एक गोल्ड का ई एक्सिस गोल्ड बीएसएल गोल्ड कोई भी लगाए अब यहां देखिए छह पांच स्टॉक हो गए और एक ई हो गया अब जो लोग इसमें से चार लेना चाहे वो चार स्टॉक और एक ईटीएफ ईटीएफ नेसेसरी है ईटीएफ को रखना नेसेसरी है इसको रखेंगे ठीक है अगर छह पांच स्टॉक्स में लगाएंगे तब भी एक ईटीएफ लगाएंगे यानी एक लाख को आप छह से डिवाइड कर दीजिए जो छह से छह में छह लगाना चाहते हैं और एक, एक लाख को पांच से डिवाइड कर दीजिए जो पांच स्टॉक में लगाना जो पांच में डिवाइड करेंगे तो वो बीस बीस हजार का सब आएगा बीस बीस हजार का सब आएगा और जो छह में डिवाइड करेंगे वो लगभग अठारह हजार केस पास आएगा है ना अठारह थार प्रति के हिसाब से आएगा क्लियर महेश जी क्लियर हो गया छ में अगर डिवाइड करते हैं तो एक लाख डिवाइडेड छ तो वह 16000 हजार सत्रह के आसपास का हर एक में लगेगा सोलह हजार पांच अगर छह में छह करेंगे तो और पांच में करेंगे तो 20 20000 का है लेकिन एक ईटीएफ हमेशा रहेगा चार स्टॉक एक ईटीएफ पांच स्टॉक एक ईटीएफ हमेशा सर सारे ई अच्छे हैं भाई बस सारे अच्छे ईटीएफ हैं कोई खराब ई नहीं है गोल्ड ई चाहे किसी का रहे एक्सिस का बिरला का सनलाइट किसी का आईसी का न्यू न्यूज का रिलायंस का सब अच्छा है भाई कोई खराब नहीं परसेंटेज वाइज आपको ज्यादा आप कहेंगे कि ये चालीस रुपये का है किसी दूसरे का देखिएगा तो आपको अभी देखिएगा कितना ध्यान से समझिए मामला आप लोग कंफ्यूज बार बार करते मैं बार बार बताता हूँ चालीस रुपया तिरानवे पैसा एक्सिस गोल्ड का है चालीस रुपया तिरानवे पैसा अब हम दूसरा गोल्ड लगाते हैं ठीक है थीके? अब हम दूसरा गोल्ड ई लगाते हैं फर्क यहीं पर पड़ता है जैसे हम गोल्ड बीज लगाए गोल्ड बीज गोल्ड बीज लगा रहे हैं तो गोल्ड बीज का दाम भी कितना है उतने है ना 46, उतने पड़ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है आप किसी और गोल्ड का लगा अब जब बिरला लगा दिया तो, आप कहेंगे, सर, ये तो कौन सा बात हजार तो सौ का हो गया चार हजार तीन सौ का हो गया ये कैसे चलेगा ये बताइए ये सर इसको तोड़ा गया है दस के गुनक में सौ के गुनक में इसको सौ के गुनक में मल्टीप्लाई किया गया है गुना सौ अब जोड़ लीजिए जब गुना सौ करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा बराबर लमसम आ जाएगा दस से मल्टीप्लाई सौ दस के मल्टीप्लाई में किया गया ठीक है दस के यूनिट में तोड़ा गया है ना तो दस के यूनिट में तोड़ा गया आ गया ना मल्टीप्लाई करके उतना बस वही बात है तो कोई लीजिए कोई परसेंटेज वाइज सब बराबर है आ, मेरा पोर्टफोलियो वन पॉइंट सेवन लाख का है कितने परसेंटेज का गोल्ड ईटीएफ देखिए हमेशा ट्वेंटी परसेंट ईटीएफ रखना है ट्वेंटी परसेंट अपने पोर्टफोलियो में ईटीएफ गोल्ड का रखना ही रखना है क्योंकि वो एक तरह का हेज करता है, जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड के प्राइस हाइक होते हैं तो वो क्या होता है बैलेंस कर देता है पोर्टफोलियो को वो बैलेंस करता है हाँ जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो आपको गोल्ड का प्राइस उस वक्त नीचे दिखेगा ईटीएफ का प्राइस नीचे दिखेगा जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना तो आपको गोल्ड का प्राइस ईटीएफ का प्राइस निगेटिव में दिखेगा लेकिन उससे घबराना नहीं है वो इंश्योरेंस है एक तरह वो इंश्योरेंस ठीक है महेश जी आपका काम हो गया हमको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था दो स्टॉक्स और सेलेक्ट करने में टेनफेक इंडस्ट्रीज तो खैर बहुत सोच विचार के बाद डिसाइड किया कि टेनफेक को तो रखूंगा उस दिन रात में तीन बज गए यही करते करते एक चक्कर खाली टेनफेक के चक्कर में अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट कैसा कम अंजनी पोर्टलैंड ठीक है सर अंजनी पोर्टलैंड भी सही है सुमन जी और एक, एक दो स्टॉक ने और मुझे परेशान किया था दो स्टॉक और ढूंढ रहा देख रहा था मैं लेकिन चूंकि बहुत ऊपर के भाव पे था है बहुत अच्छा लेकिन लगा कि एक लाख में अगर सारा उधर ही डलवा देंगे सारा उधर ही डलवा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा केयर रेटिंग काफी ऊपर के भाव पे पहुंच गया है चीज अच्छा है माल बढ़िया है थोड़ा नीचे मिल जाए ना देख रहे हैं नया हाई लगने वाला नया ब्रेकआउट होने वाला एक्चुअली हाई थोड़ा हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो और ऊपर की साइड में भागेगा एक ये मुझे पसंद आ रहा था एक क्रिसिल पसंद आ रहा था लेकिन क्रिसिल ऑलरेडी तेईस के भाव पे आसपास बाईस तेईसो के आसपास का है तो फिर इसको इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं जाने दो काफी ऊपर है थोड़ा नीचे कभी मिले ना दिमाग में आ जाए कभी मिले तो जरूर इसमें हाथ मारना है लेकिन फिर भी ये ठीक है जो आपको दिया है भरोसा रखिए और लॉन्ग टर्म व्यू रखिए उस पर पैसा बनेगा जरूर बनेगा अभी तक तो जितने दिए हैं सब में बनाए पैसा अभी तक तो मैंने आप लोगों को जितने भी बना के दिए हैं बता के दिए चाहे अपने यूट्यूब चैनल पर दिया हो चाहे यहाँ पर्सनली डाउट सेशन में दिया हो सब में पैसा बना है बना कि नहीं इवन की म्यूचुअल फंड में पैसा बन गया जो म्यूचुअल फंड आप लोगों ने पकड़ रखा था था उसमें पैसा नहीं था। जब मैंने दिया तो उसमें पैसा बना है ना उसमें भी पैसा और अभी तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न लगभग लगभग हंड्रेड परसेंट के आसपास है हंड्रेड परसेंट के आसपास किसी का फोर्टी फाइव परसेंट है किसी का सिक्सटी परसेंट है सर बाल की इंडस्ट्रीज अब ले सकते हैं अब बहुत ऊपर है बाल भाई बहुत ऊपर है बहुत ही ऊपर है बाल कीस इंडस्ट्री सर बहुत ऊपर चला गया है थोड़ा सा उसको होने दीजिए ना मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए मार्केट करेक्ट क्या होगा स्टॉक करेक्ट हो जाए इतना ऊपर मान नहीं आ रहा है मामला जम नहीं रहा कि नया मैं बाइंग बोल दू मुझे जम नहीं रहा है वो तेईस सौ रुपये तक चला गया वो बाईस सौ तेईस सौ जम ही नहीं रहा सिर्फ पांच स्टॉक है इक्कीस सौ पे है इक्कीस सौ पे ठीक है पड़े रहे नीचे मिले तो ऐड करिए इस जगह पे मत लीजिए नीचे मिले तो ऐड करिए इस जगह पे मत लीजिए मेरे लिए तो इसका बढ़िया प्राइस है उन्नीस सौ उन्नीस सौ पे आएगा तभी देख एन बी एफ सी एंड इंश्योरेंस कंपनी लेने का आगे का संडे का बात था एन बी एफ सी एंड इंश्योरेंस कंपनी लेने का तो इंश्योरेंस कंपनी तो बताया था ना मैंने आईसी प्रू लाइव और एच डी एफ सी लाइव एन बी एफ सी कंपनी में स्टॉक दिया था ना मैंने हम नए लोगों के लिए म्यूचुअल फंड फिर से बताइए प्लीज म्यूचुअल फंड एक एस एन पी फाइव हंड्रेड लगाइए उस दिन भी बताया था एस एन पी फाइव हंड्रेड पे रखिए नजर और एक आता है मीरा एसेट मल्टी कैप फंड मीरा एसेट मल्टी कैप फंड उस पर नजर रखिए एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड वो ले सकते मिंडा इंडस्ट्रीज अच्छा स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी कंपनी है मिंडा सर बढ़िया है एनबीएफसी पे कुछ बताया था किसी स्टॉक्स का नाम मैंने रखा है ऐसे सेलेक्ट करके एनबीएफसी कभी अगर आपको मन हो ठीक है तो पोर्टफोलियो आपको ऐसे मैंने बता दिया चलिए ठीक है तो अभी तो अभी हम लोग के पास है टाइम हम लोग थोड़ी दूसरी बात करते हैं फिलहाल अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि वो पोर्टफोलियो वाला वीडियो वो लोग भी देख सके और अगर जिनको मन होगा अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना एनालिसिस करके अपना रिसर्च करके अपने फैंसी एडवाइजर से सलाह सलाह करके उस स्टॉक पे चाहे तो वो लोग अपना बना सकते हैं मैं यही वीडियो डालूंगा तो फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ आप लोग बने रहिए मेरे साथ